नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं, इसी मार्ग से आ रहे हैं, और हमने कभी सोचा नहीं था कि इसी मार्ग पर, इसी भूमि पर मधुबन की रचना होगी। और जब से हमको ये शिलान्यास की घोषणा हुई है, तब से नीचे मधुबन दिखने लगा है। तो तब जब भी ये क्षेत्र बनकर तैयार होगा, तो इसकी क्या रचना होगी महाराज श्री, क्या कल्पना होगी, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज। एक दिन ऐसा आएगा, चौलीस और सम्मेत शिखर बन जाएगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। और उसके निकट भविष्य की बहुत भूमि, अभी इतने में ही मात वहाँ पर एक थोड़ा सा सफाई की है, उतने पे ही एक गदगद भाव, एक श्रद्धा भाव, एक पावन पुनीत भाव आ रहा है। और उस भूमि की अंदर की जो एनर्जी है, वो बाहर होकर के ऐसी फूट रही है, जैसे मान लो वो ये कह रही है कि मेरी ज़िंदगी में जो शक्ति छुपी थी, अब वो 21 तारीख को प्रकट होने वाली। बुझा हुआ दीपक, वो भूमि अपने आप में पूरी ताकत सजाई थी, पूरी ताकत थी, मात छोटी सी ज्योति जलाने के लिए एक दूसरी ज्योति की जरूरत थी, वो 21 तारीख को मिल जाएगी। जय हो, जय हो। उसके बाद फिर क्या करना है, आगे के कार्यक्रम बताएंगे बाद में।